हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ये नंबर टाइप प्रश्न होगा और हम प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप के प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा इससे। तो अगर जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज ये प्रश्न पर। कल जो बताए थे बेमान दुकानदार वाला, उससे एक लेवल ऊपर का प्रश्न है। इसको प्रश्न को समझिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। ठीक है, जो ग्राहक आता है उसको हम बोलता है मैं इसमें 10% का लाभ लेंगे, बोल के बोलता है कि हम 10% आप इसमें लाभ लेंगे, लेकिन वो क्या करता है, उसमें भी वजन में कम तोलता है। वो कितना, 20% वजन जो है कम तोलता है। तो इसमें हमको पूछ रहा है उसका लाभ कितना हुआ, इसमें कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो इसमें हमको कैसे बनाना, ये देखिए, मान लीजिए एक जितना भी वजन होगा, मतलब कि एक केजी पर ही लेते हैं, तो एक केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। मतलब क्या, 1000 का 10% 100 होगा, 10% लाभ पर। ठीक है, 10% लाभ पर प्लस इसलिए दिए, तो 1000 का 10% 100 होगा। कैसे होगा, 1000 × 10/100, तो 2 0 2 0 कट गया, बराबर कितना हो, 10 × 10 = 100 होगा। तो 100 इस पर लाभ लेता है, मतलब क्या 1100 हो गया। ये क्या, ये समझना क्या, 1000 ग्राम देता है, बोलता है क्या 1100 ग्राम, देता नहीं है उसको, बोलता है कि हम 1100 ग्राम का पैसा लेंगे। क्या बोलता है वो, 1100 ग्राम का पैसा लेंगे। ठीक है, और वो करता क्या है, वजन में 20% कम तोल देता है। तो 20% इसका कम, माइनस से इसको करते हैं कम, अगर किए तो 1000 का 10% 100 हुआ है, तो 20% 200 हो जाएगा। 1000 का 20% 200 होगा, कैसे हुआ, ये देखिए 2 0 कटा, 20 × 10 = 200। तो ये क्या करता है, 1000 के जगह 20% कम तोलता है, तो 200 ग्राम कम तोला कितना हुआ, 800 ग्राम ही देता है। देता है कितना है, 800 ग्राम ही। अब प्रश्न को समझिए, वो बोलता है दुकानदार हम आपको 1 केजी देंगे, लेकिन हम 10% लाभ लेंगे। तो मतलब क्या, 10% लाभ 1100 हुआ, 1100 ग्राम का पैसा लेंगे। पैसा कितना लेंगे, हम 1100 ग्राम का पैसा लेंगे। और इसमें अब हुआ क्या, उसको दिया 20% कम, तो 800 ग्राम ही दिया उसको, तो इसमें टोटल उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, 300 का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 300 ग्राम का। और आपको कल वाले सवाल में भी बताए थे बेमान दुकानदार वाले में, एक तरह से ये मात्रा वाला हो गया, भाव वाला हो गया, इसमें रुपया पैसा का जिक्र नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का जिक्र है। यहाँ 1100 ग्राम है, यहाँ 800 ग्राम है। तो भाव के केस में आपको बताए थे जितना विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य वाले प्रश्न में जितना विक्रय मूल्य हुआ उसमें उसको बट्टे में करते हैं। इसमें यहाँ क्या, बेचा कितना है उसको, 800 ग्राम। जो दुकान से मेरा मात्रा सामान निकला उसी पे हमेशा प्रॉफिट लाभ निकलेगा। ठीक है, तो दुकान से मेरा मात्रा निकला 800, तो 300 × 800। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणन कर देंगे। अब देखिए कटाइए इसको, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 1 कटेगा, 4 × 2 = 8 और 4 से 1 कटेगा 25 बार में, बराबर 25 × 75 = 2%। ये उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। इसको पूर्णांक में और तोड़ेंगे तो 37.1/2%, अगर पॉइंट में रहे तो 37.5%, ये हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको बिल्कुल नीचे से हाई लेवल तक सभी प्रश्नों को पढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप मेरा अगर पढ़िएगा तो शुरू से लेके हम बता रहे हैं एकदम हाई लेवल तक, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जो भी चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको बाद में फायदा हो सके।
अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये दूसरा प्रश्न है उसी टाइप में, इस प्रश्न को समझिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें जरूर। इस प्रश्न को समझिए। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? प्रश्न में बोल रहा है जो एक दुकानदार है ना, जो तब जब वो तौलता है तो 20% की चोरी करता है, मतलब कि 20% कम दे देता है और 20% लाभ पर बेचता है, बोलता है कि भाई हम इस पे 20% का लाभ लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में मान लेना है कि 1 kg के स्थान पर, ठीक है, 1 kg के स्थान पर हमेशा आप कुछ भी मानेंगे, 100 ग्राम भी मानेंगे, 10 ग्राम भी मानेंगे, तब पर भी बन जाएगा। तो हम इसमें 1 kg के लेते हैं स्थान पर, ठीक है। मान लीजिए 1000 ग्राम हम खरीदने जाते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम। अब वो क्या करता है, 20% लाभ लेता है इस पर, बोलता है कि भाई हम जो है सामान लाए हैं, हम इस पर कुछ प्रॉफिट लेंगे, तो 20% हम लाभ लेंगे। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000 का 20% हो जाएगा 200 ग्राम। अभी तुरंत आप लोगों को बताए तो कैसे हुआ, देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, बराबर 200 ग्राम हुआ। तो बोलता है क्या, वो 20% लाभ लेंगे, मतलब 1200 ग्राम का पैसा लेंगे हम। हम जो लाए हैं सामान कहीं से खरीद कर, हम इस पे 20% प्रॉफिट लेंगे, मतलब हम जो बेचेंगे देंगे आपको 1000 ग्राम, लेकिन हम इस पे 20% प्रॉफिट लेंगे, तो मतलब 1200 ग्राम का वो पैसा लेगा उससे। और दूसरे तरफ वो क्या करता है, 20% की चोरी कर लेता है, वो चुपके चुपके, उसको बताता नहीं है, उसको बताता नहीं है, हम बोलता है कि हम ओ सॉरी उसको बताता नहीं है, और वो 20% वजन कम तौल देता है। तो 20% कम वजन तौला, -20% यहां पे होगा, तो 20% कम 200 ग्राम है, तो उसको 1000 ग्राम लेने गया तो देता है उसको 800 ग्राम ही, उसको देता है 800 ग्राम ही, ठीक है। यहां तक तो समझ गए, जो नहीं समझे फिर से समझिए। बोलता है वो कि हम 20% प्रॉफिट लेंगे, 1 kg वो लेने गया, ठीक है, बोलता है वो 20% प्रॉफिट लेंगे, और वो 20% प्रॉफिट 200 ग्राम हुआ इसका, तो बोलता है 1200 ग्राम का पैसा लेंगे आपसे, भाई हम जहां से भी सामान लाए हैं आपसे हम 1200 ग्राम का पैसा लेंगे, तब हम आपको 1 kg देंगे, क्योंकि हमको लाने में भी तो खर्च पड़ा है, इसीलिए 20% प्रॉफिट लेता है, तो 1200 ग्राम का बोलता है पैसा लेंगे। और वो करता क्या है, 1 kg के स्थान पर 20% कम वजन तौल देता है, उसको ग्राहक को पता नहीं चलता है, वो 20% वजन कम तौला, जो तो 200 ग्राम कम तौला तो दिया उसको कितना, 800 ग्राम। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए टोटल उसको फायदा कितना हुआ, पैसा लिया वो 1200 ग्राम का और दिया उसको 800 ग्राम, तो इसको टोटल फायदा कितना हुआ, 400 ग्राम का टोटल उसको फायदा हुआ, 400 ग्राम का टोटल फायदा हुआ। अब वो 400 ग्राम का जो टोटल फायदा हुआ, किस पर फायदा होगा, हमेशा आप लोगों को बताते हैं फायदा उसी पर होगा जो दुकान से माल बेचे। ये मात्रा वाला हुआ सवाल, तो मात्रा वाला में जो मेरा दुकान से सामान निकला, हमेशा जो बेचे उसी को बट्टे में लाएंगे, उसी को हम बेस में लाएंगे, ठीक है। तो 400 बट्टे हो जाएगा, ये फायदा हुआ है 400 ग्राम का, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100% से गुणा कर देंगे किसी भी संख्या में, तो वो प्रतिशत में उसका मान हो जाएगा। तो 400 से इसको कटाएंगे, 4 × 2 = 800 हुआ, 2 से इसको कटाएंगे तो 50 हुआ, बराबर कितना हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है, 50% का दुकानदार को फायदा हुआ। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। इससे थोड़ा सा कुछ प्रश्न को घुमाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सभी तरह के प्रश्न समझ में आए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये प्रश्न में थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिए, इस टाइप के प्रश्न समझिए परीक्षा में, क्योंकि बहुत टाइप से आपको प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपको भाषा समझ में आना चाहिए। तो इस प्रश्न को देखिए, इसको समझिए, क्या है प्रश्न। एक दुकानदार 1 kg चीनी खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। जब वो दुकान चीनी खरीदने जाता है ना दुकानदार, तो खरीदते समय वो 10% चोरी करता है और बेचता भी जो है उस समय भी 10% चोरी करता है, तो इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये हमको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न में 1 किलोग्राम चीनी है तो मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम हुआ, 1000 ग्राम चीनी हुआ, ठीक है। अब क्या करता है, 10% चोरी करता है, मतलब क्या, जिससे खरीदा 10% चोरी, क्या करने का क्या मतलब, वो बोलता है कि हमको मतलब 1000 ग्राम हमको लेना है, ले लेता है कितना, 10% बढ़ा के, तभी ना हुआ। हम किसी से अब कोई सामान खरीदने गए, हम 10% चोरी किए क्या, मतलब दूट का अगर हम चोरी किए उसका वस्तु दूट का हम ज्यादा ले लिए, तो वही हुआ इसमें, 10% चोरी करता है तो कहने का मतलब 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% 100 होगा, कैसे हुआ, ये देखिए बराबर 100 ग्राम हुआ। ये चीज तो आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ जाएं। तो 10% जो चोरी करता है ये चीज खरीदते समय, मतलब क्या उससे कितना ले लेता है, 1100 ग्राम ले लेता है, 100 ग्राम वो ज्यादा ले लेता है, तो वो ले लेता है 1100 ग्राम, यही हुआ चोरी। बोलता है कि हम 1 केजी लेंगे, लेकिन वो उधर देखता है उसमें 10% का कुछ मतलब बाट ज्यादा कहीं नीचे से चुम्बक लटका देता है, ठीक है, तो वही हुआ, वो ले लेता है 1100 ग्राम, ले लेता है वो 1100 ग्राम। और जो वो बेचता है ना दुकान में लाता है, जब किसी को बेचता है तो वो क्या करता है, 10% की उसमें भी चोरी कर लेता है। तो आप अगर दुकानदार है, किसी को बेचिएगा उसमें आप 10% का चोरी किए तो क्या किए, 10% का सामान जो वस्तु है जितना भी ग्राम उसमें 10% घटा के दीजिएगा, तो 100 ग्राम है तो उसको 10% चोरी किया, उसको 900 ग्राम ही दिया, उसको दिया 900 ग्राम ही दिया। तो अब देखिए इस व्यापार में उस दुकानदार को कितना लाभ होगा, वो लाया 1100 ग्राम और दे रहा है 900 ग्राम, तो इसमें कितना इसका प्रॉफिट हुआ, 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया 1 केजी में, 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया 1 केजी में। फिर से समझिए, अगर नहीं समझे, वो 10% जो चोरी किया गया 10% चोरी किया जहां पे वो खरीद रहा है। आप अगर ग्राहक हैं, खरीद रहे हैं, आप 10% चोरी किए, नीचे में जो तराजू होता है नीचे में चुम्बक जो होता है उसको लटका दिए, तो वो 100 ग्राम था, 10% बराबर इसका 1 केजी का 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम का चुम्बक था लटका दिए, तो उसमें वो चोरी कर लिए, मतलब 1100 ग्राम लिए, ठीक है, पैसा आप उसको दिए 1000 ग्राम का ही, लेकिन ले लिया आप 1100 ग्राम, तो इसमें ये यहां तक समझ गए। अब बेचता जो है वो 10% उसमें भी चोरी करता है, मतलब क्या, 1 केजी बोल के हम आपको दे रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं 900 ग्राम ही, मतलब 100 ग्राम कम तौल रहे हैं, 10% का मतलब 100 ग्राम हुआ, 100 ग्राम कम तौल रहे हैं, मतलब आपको दे रहे हैं 900 ग्राम ही। तो टोटल देखिए 1100 लाया ग्राम और बेच रहा है 900 ग्राम, तो 200 ग्राम का हमको फायदा हुआ, तो 200 ग्राम का फायदा हुआ, तुमको लाभ हुआ 200 ग्राम किस पर, जो मेरा दुकान से माल सेलिंग हुआ, जितना हम दुकान से दिए मात्रा वाला में, हमेशा जो दुकान से माल दिए उसी को बट्टे में लाएंगे, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किसी भी चीज को कर दीजिएगा, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर क्या हुआ 200/9%, इसको भाग दीजिएगा तो 22/98 होता है, 22/2/9%। अगर इसको पॉइंट में भी बनाना है तो पॉइंट में, अगर उत्तर रहे ऑप्शन में तो पॉइंट में भी भाग दे के और आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का प्रश्न कभी भी आएगा तो आप कभी भी नहीं उसको छोड़ेंगे, हमेशा इसी तरह के मेथड से अगर आप बनाएंगे दिमाग से सोच के तो तुरंत से प्रश्न सॉल्व होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप मेरे क्लास को हमेशा रोज मेरा क्लास आता है, अगर आप डेली क्लास करते हैं तो कोई भी एग्जाम होगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हर प्रत्येक दिन
अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।